अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा व्लॉग, और ये व्लॉग जो है ये ऑरेंज ट्रेन का है। हमने सफ़र किया था ऑरेंज ट्रेन पे। ईद के दिनों में मुझे अपनी सिस्टर की तरफ जाना पड़ा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र करें और आपके साथ भी शेयर करें। तो बहुत खूबसूरत सा सफ़र था ये, बहुत ज़बरदस्त ये सारा व्यू और ट्रेन का सफ़र। ये जो ऑरेंज लाइन है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही खूबसूरत से इसके स्टेशन बनाए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है। और मेरे साथ मेरी मदर, ब्रदर और मेरी डॉटर थी, तो ईमान ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से इंजॉय कर रही है ये सफ़र। और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि क्यों ना ट्रेन का सफ़र किया जाए ऑरेंज लाइन का, तो हमने सोचा कि आज जो है ना ऑरेंज लाइन को ही चूज़ करते हैं सफ़र के लिए। तो बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त सा हमारा ये एक्सपीरियंस रहा, मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और इसके स्टेशन बहुत ही ज़्यादा नीट हैं और बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है, और देख रहे हैं कि ईमान कितना ज़्यादा जो है ना इंजॉय कर रही है और बहुत ज़्यादा खुश थी और कह रही थी कि फिर जाएंगे मामा हम इसी ट्रेन पे। तो मैंने कहा कि हम ज़रूर नेक्स्ट टाइम भी ट्रेन का ही सफ़र करेंगे, और ये सफ़र बहुत ही ज़बरदस्त रहा। मैंने भी लाहौर में रहते हुए भी फ़र्स्ट टाइम इसका जो है ना ट्रैवल किया था, पहले मैं कभी नहीं गई हूँ, हालांकि लाहौर के अंदर रहते हैं, तो फिर भी बस चांस नहीं मिला जाने का और इस ट्रेन से कहीं भी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं।